हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सार्टेन स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे 20 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ऑल सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, सभी क्वेश्चन क्या हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सिलेक्टेड है। तो आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो आपका लॉस भी हो सकता है, जो आपका एग्जाम होना है, ठीक है, डिफेंस या कम्पिटेटिव एग्जाम जो भी होना है उसमें लॉस हो सकता है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया है, विश्व फोटोग्राफी दिवस, तो देखिए 19 अगस्त को, ठीक है, हर साल ही 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे मनाया जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है जो, उसको कब मनाया गया था सबसे पहले और किसने शुरुआत की थी। तो देखिए सबसे पहले सन 2009 में, ठीक है, इसको मनाया गया था। और सबसे उसको सन 2009 में किसने मनाया था सबसे पहले, किसने शुरुआत किया था, तो देखिए वो ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के थे, ऑस्ट्रेलियाई थे, ठीक है। उनका नाम था क्या, कॉर्की आरा, ठीक है, देखिए कॉरेस के आरा था उनका नाम, ठीक है। तो याद रखेंगे इन्होंने ही सबसे पहले इसकी शुरुआत की वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे की, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि इसका एम यानी उद्देश्य क्या रहा है। तो देखिए जो इसका उद्देश्य रहा है, जितने भी वर्ल्ड में फोटोग्राफर हैं उनको मिलकर मतलब एकजुट करना है, ठीक है, और उपलब्धि की जो फोटोग्राफी दिवस है इसका महोत्सव मनाना है, ठीक है, इस दिवस का आयोजन करना है, ठीक है। जितने भी फोटोग्राफर हैं उनको मतलब वो सब मिलकर क्या करेंगे, इस दिवस का आयोजन करेंगे, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य रहा है, ठीक है, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से इतना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसके लिए इजाज़त दे दी है, महिला को कौन सा परीक्षा में भाग मिल जाएगा। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, NDA, ठीक है। अब नेशनल डिफेंस एकेडमी में क्या होगा, महिलाओं को आप परीक्षा देने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या कर दिया है इसने, सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है कि महिलाएं भी परीक्षा दे सकेंगी, किस में, तो NDA में, ठीक है, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में। अब इसमें बहुत अच्छा अवसर है, ठीक है, महिलाओं के लिए, तो महिला भी आप सबको सब किसी का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, मेल और फीमेल में, तो सभी को आप परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो देखिए अब बात कर लेते हैं, बात हो रही है NDA की, तो NDA के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो NDA है, नेशनल डिफेंस एकेडमी इसका पूरा नाम है, और इसकी स्थापना की अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 7 दिसंबर सन 1954 में इसकी स्थापना हुई। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो देखिए पुणे में, ठीक है, यानी खड़कवासला में, ठीक है, याद रखेंगे, और ये वहीं पर इसकी एकेडमी है। अब देखिए बात करते हैं कि इसका मोटो क्या है, ठीक है, मोटो की बात कर लेते हैं, मोटो या ध्याय सूत्र भी बोलते हैं इसे। तो देखिए सेवा परिणाम, जो सेवा परिणाम धर्म, परमो धर्मा है, ठीक है, सेवा परमो धर्मा, तो याद रखेंगे इसको भी, ठीक है, तो इसका जो मोटो है इसको भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका, ठीक है, सॉरी, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आएगा ये, क्योंकि बहुत बढ़िया ये शुरू किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी, ठीक है, जारी कर दिया है कि महिलाएं भी क्या होंगी, परीक्षा दे सकेंगी NDA में, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए ज़िले और कितने नए तहसीलें बनाने की घोषणा की है। तो 4 ज़िले यानी डिस्ट्रिक्ट और कितने तहसीलें बनाने की घोषणा कर दी है। तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, 18 तहसील बनाने की घोषणा कर दी गई है। अब देखिए इन्होंने कब ये घोषणा की है, कब इसने इन्होंने निर्णय लिया था, तो देखिए 15 अगस्त को ही, यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही ये निर्णय लिया था, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं इनके बारे में, तो देखिए जो जितने भी 4 ज़िले हैं इनके बारे में भी अभी जानेंगे, कौन कौन से ज़िले हैं नाम जानेंगे, ठीक है। अब देखिए नए ज़िलों का गठन करके आप टोटल जो यहाँ पर देखिए
जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में टोटल अगर जिले की आप बात कर ले डिस्ट्रिक्ट की, जब ये चार जिले और नए बन गए हैं तो टोटल कितने जिले हो गए हैं, तो 32 जिले, 32 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, ठीक है, टोटल याद रखेंगे। अब देखिए बात करते हैं कि ये चार जिले को नाम क्या क्या हैं, ठीक है, थीके? तो इनके बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं। तो देखिए पहला जो है वो क्या है, तो मोहला मानपुर है, ठीक है। देखिए मोहला मानपुर, ठीक है, मोहला मानपुर है। और जो दूसरा है वो है सत्ती, ठीक है, सक्ती। और जो तीसरा है वो क्या है, तो सारगण बिलाईगढ़, ठीक है, सारगण और बिलाईगढ़। तो याद रखेंगे, आपको पूछ सकता है कि कौन कौन से जिले हैं, नाम बताइए उनका, ठीक है। अब देखिए जो चौथा है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए मनेन्द्रगढ़ क्या है, चौथा, देखिए मनेन्द्रगढ़, ठीक है, मनेन्द्रगढ़। तो चारों को ही याद रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस राज्य सरकार का, जो कहाँ कौन सा राज्य सरकार है, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, तो देखिए हरियाणा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा में ही क्या कर दिया है, जो गोरख धंधा नाम का शब्द है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये प्रतिबंध लगा था कब, तो 18 अगस्त को लगा था ये प्रतिबंध, ठीक है, 18 अगस्त 2021 को। अब देखिए जब प्रतिबंध लगा तो किस लिए लगा, और ये भी बात कर लेते हैं किसने लगवाया, ठीक है। तो देखिए जितने भी जो गोरखनाथ थे, गोरखनाथ समुदाय के जो समिति थी, जो गोरखनाथ समुदाय के सदस्य थे, ठीक है, देखिए गोरखनाथ जो समुदाय थे, ठीक है, गोरखनाथ समुदाय, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो हमारे हरियाणा के जो सीएम है, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने उनसे क्या किया, उनसे मतलब मिलकर बात कही कि ये जो शब्द है, ठीक है, जो देखिए ये वाला गोरख धंधा, इस पर क्या कि उन्होंने आपत्ति बताई, ठीक है, कि ये जो शब्द है इसके इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने तालिबान के कब्जे के बाद किस देश को सभी वित्तीय मदद रोक दी है? तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने तालिबान के कब्जे के बाद क्या कर दिया, तो देखिए इसके तहत क्या होगा कि जो अफगानिस्तान है, ठीक है, इसको कोई भी मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से आदेश आ गया है, ऑर्डर आ गया है कि कोई भी पैसे के तौर पर, ठीक है, मतलब जो वित्त है, ठीक है, पैसे के तौर पर इसको कोई भी मतलब इस कोई भी मायने नहीं रखेगा, ठीक है, मतलब इसको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, कोई भी वित्त के रूप में पैसा नहीं दिया जाएगा, कोई भी मदद नहीं की जाएगी वित्तीय रूप में, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में यानी IMF के बारे में, ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो देखिए सन 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगर हेडक्वार्टर की इसकी बात करें तो कहाँ पर है, तो Washington DC में इसका हेडक्वार्टर है, यानी अमेरिका में, ठीक है, US में, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए बात करते हैं कि इसके फाउंडर कौन है, जो फाउंडर हैं वो कौन है, जॉन मनियार्ड केनिस, ठीक है, जॉन मनियार्ड केनिस, ठीक है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन से इतना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? तो किसने की है, तो देखिए हमारा किस कहां पर की है, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अंडमान और निकोबार में, ठीक है, तो याद रखेंगे अंडमान निकोबार को। अब देखिए बात कर लेते हैं ये जो ये देखिए अम्ब्रेला हेड वाला जो एक शैवाल प्रजाति पाई गई है, खोजी गई है, तो उसमें क्या किया गया है, देखिए मार्च 2021 में ही दो प्रजाति और खोजी गई थी, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अब देखिए बात करते हैं कि ये जो प्रजाति है, ठीक है, अम्ब्रेला हेड, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये चमकीले हरे रंग की, देखिए चमकीले हरे रंग की, ये एक प्रकार से बोल सकते हैं हरे रंग की, ठीक है, ग्रीन कलर की। तो देखिए हरे रंग की ये क्या है, एक शैवाल है, जिसका अगर ये आकार यानी शेप की बात करें, शेप की,
तो देखिए सेप इसका 20 से 40 मिलीमीटर है होता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। तो आपका जीके रिलेटेड क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ठीक है। इसके इसका सेप कितना होता है, तो 20 से 40 mm, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को याद रखेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, तो किस देश को दे दी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हमारा आंसर अमेरिका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि ये जो मंजूरी दी है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये मंजूरी दी गई थी 18 अगस्त को ही, ठीक है, 18 अगस्त 2021 को ही दी गई थी, ठीक है, ये मंजूरी जो है। तो इसके ये जो भारत और किस तो भारत और अमेरिका देश के बीच ये समझौता हुआ है, ठीक है, मंजूरी दे दी गई है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब देखिए PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाएँ चैनल पर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर आपको PDF अवेलेबल है सभी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।